एक बार ध्यान दीजिए, ये क्या है? क्या है? सूरज है। सूरज दादा कहलाते कि मामा कहलाते? क्या कहलाते सूरज? मामा कहलाते सूरज। चंदा मामा, सूरज तो दादा कहलाते हैं सर, ठीक है? चंदा मामा कहलाते हैं। वो भी आई, क्या हमारा पृथ्वी? क्या है? क्या है? पृथ्वी। अब ये वाली रेखा क्या कहलाती है? सोशल साइंस बोलना, ये रेखा क्या कहलाएगी? विषमत रेखा या भूमध्य रेखा? बोलिए, आप लोग बोलते ही नहीं है, कितना बार बोलने से सब कुछ होता है। कौन सी रेखा होगी? कौन सी रेखा होगी? भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा से 10 डिग्री तक क्या कहलाएगी? भूमध्य कटिबंध। क्या कहलाता है? भूमध्य कटिबंध। क्लास में चर्चा किए थे कि 0 डिग्री अक्षांश क्या कहलाएगा? भूमध्य रेखा कहलाएगा। और इसके 10 डिग्री तक ऊपर और 10 डिग्री तक नीचे, 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण तक क्या कहलाएगी? भूमध्य कटिबंध कहलाएगी। और इस 10 डिग्री से लेकर फिर 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण क्या कहलाती है? उष्ण कटिबंध। क्या कहलाती है? उष्ण कटिबंध। क्या कहलाएगी? उष्ण कटिबंध। और इस 23.5 डिग्री से लेकर 66 डिग्री और 23.5 से लेकर 66 डिग्री क्या कहलाएगी? शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाएगी? शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। और ये 66.5 से फिर 0 डिग्री पोल तक क्या कहलाएगा? ये जो ध्रुव है इसको क्या कहते हैं? ध्रुव। इसको क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव। इसको क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इस ध्रुव 66.5 से ध्रुव तक क्या कहलाएगी? शीत कटिबंध। क्या कहलाएगी? शीत कटिबंध। अब सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ रहेगा? तो जहां पे क्या हो, सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा। तो सूर्य का प्रकाश सीधा कहाँ पड़ रहा है? भूमध्य रेखा के पास। कहाँ पड़ रहा है? यानी सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ आएगी? कहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होगी? अच्छा, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री तक को क्या कहा जाता है? भूमध्य कटिबंध। क्या कहा जाता है? और 10 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक को क्या कहा जाता है? 23.5 से 66.5 के बीच को क्या कहा जाता है? और 66.5 से ध्रुव तक को क्या कहा जाता है? शीत कटिबंध। क्या कहा जाता है? शीत कटिबंध।